मेरे सभी प्यारे निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी, और जो मेरे सब्सक्राइबर भाई मित्र भाई हैं उनके लिए सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं ये हमारे बहुत ही उच्च कोट के संत, कहते हैं कि इनके पास भटका हुआ इंसान भी उसको भी राह दिखाने वाले बहुत ही अच्छे संत महात्मा हैं, और ना जाने कितनी सिखलाइयाँ मिली है इनके जीवन से, और ना जाने ऐसे ऐसे कितने समय आए हुए हैं, तो कुछ सिखलाइयाँ जो है हमने सीखी और अपना मन करा कि आप जी के सामने वो कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रेरणादायक है, जिसको सुन के कहते हैं ना भटके मुसाफिर को राह मिल जाए। तो कुछ ऐसे ही वचन हैं, आप जी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं इनके एक एक वचन को अपने जहन में उतारने की कोशिश करें, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये अपने वचन नहीं, ये संत महात्मा आप जी जो भी हमारा वीडियो देखते हैं, आप शायद ने देखा होगा कि पहली बार इनके पास आया हूँ मैं, और बड़ी अरदास करने के बाद कि कुछ ऐसा है कि कुछ हमें भी सिखलाई मिले, कुछ और भी संत महात्मा भी सीखे, तो कुछ ऐसे प्रेरणादायक वचन, कुछ ऐसे आपके जीवन से कुछ जुड़ी हुई घटनाएं कुछ शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो कहते हैं ना कि सीखने के लिए तो हमें पूरा जीवन ही है, आप जैसे संत महात्मा मिलेंगे तो सिखाते रहेंगे तो हम भी तर जाएंगे, आपके चरणों में रहेंगे। तो चलते ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को जो भी देख रहा है सबसे पहली बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलते हैं। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत, एक घटना का आपको हम रूबरू करेंगे, आपके समक्ष रखेंगे कि काफी दिनों से पहले जैसे संत समागम उस समय बुराड़ी में होता था सालवर का, तो उत्तराखंड की एक बहन जो कि बहुत सत्संग थी, जबकि उत्तराखंड के अंदर दूर दूर में संगतें मिलती हैं, दूर दूर पहाड़ियों में चढ़ना पड़ता है, फिर भी वो बहन जो है उत्तराखंड में ऊपर पहाड़ों में चढ़ करके बहुत बड़ी मुश्किल से संगत अटेंड करते थे। उनका नियम था कि हमेशा सत्संग करना उत्तम है, सत्संग से बढ़कर उसको और कुछ रे बाता था। परिणाम यह है कि गाँव के अंदर उत्तराखंड में लोग भ्रमित ज्यादा है, वहां देवी देवता भूत पिशाच आदि अनादि इनको बहुत ज्यादा टोने टकोने ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो बहन जब सत्संग से जुड़ गई तो सत्संग के सिवाय उसको और कुछ नजर नहीं आता। वो सिर्फ सत्संग जाती और सत्संग से जाकर के अपने घर आती और घर से सत्संग जाती, लेकिन वो सत्संग के में इतनी रम गई कि उसके अगर एक दिन अगर वो सत्संग नहीं करी तो समझ लो कि उसको बड़ा मुश्किल हो जाता था, उचाट हो जाता था उसका मन। तो सत्संग ऐसा है कि घर में वो बहन अकेली थी, बूढ़ी अवस्था हो गई, लड़का भी विदेश में, बहू भी विदेश में, और जब वो सत्संग जाती थी तो वो जो उनके साथ मिलती नहीं थी गांव में, कोई से भी मतलब ऐसे कर्मकांड में वो सम्मिलित नहीं होती थी, तो वो लोग उससे जलते थे, उसको ताना देते थे कि तू बड़ी बाबा वाली हो गई, तूने तो गांव छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, दुनिया भर के बातें बताते। अब परिणाम क्या हुआ कि जब समागम हुआ बुराड़ी में तो वो बहन दिल्ली आने की कोशिश करी, तो कोशिश करने से पहले उसने जो अपने गांव में खेत में जो घास का टीया बना रखा था उनकी व्यवस्था करी, घर में जो है ताला उला लगा के अपने बर्तन भांडे आदि जो भी उसके घर के व्यवस्था थी उसको पूर्ण करके उसका बंदोबस्त करके और दिल्ली बुराड़ी आ गया। अब वहां के जो जनमानस थे, उसके गांव के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि अच्छा अवसर है ये, अब ये बुढ़िया ये जो बहन है अब तो हफ्ता 10 दिन में आएगी, इससे तो पहले आने की नहीं। तो उन्होंने रात को जो है उसके घास के ठिए पे जा करके और हल्ला बोल दिया, घास की चोरी करने लग गया। तो जब घास की चोरी के लिए वो गए, जैसे खेत के किनारे पे पहुंचे और वहां सामने जो है घास के ठिए पड़े हुए थे 10-12, तो देखा उन्होंने कि वहां पर सेवादार डंडा लेके खड़े हैं। तो उन लोगों ने कहा ये तो पुलिस वाले हैं, ये कहां से आ गए, क्योंकि सेवादारों की भर्ती भी जो खाकी होती है, तो उन्होंने समझा ये पुलिस वाले, वो अचंभित हो गए और वो वहां से भाग गए। अब दूसरी रात जब फिर वो देखा उन्होंने कि आपस में बात करी, ये तो भैया सेवादार थे, ये क्या थे, ये पुलिस वाले थे, ये समझ नहीं आया, तभी भी वो समझ नहीं पाए इस चीज को।
दूसरी रात्रि में उन्होंने क्या किया, दूसरी रात्रि में उसके घर में हल्ला बोल दिया, धावा बोल दिया और उसके घर में जो है ताला तोड़ दिया। थोड़ा सा गांव में तो मकान भी अलग अलग होते हैं, और जब ताला तोड़ दिया तो वो चाहते थे कि यहाँ के बर्तन वगैरह कोई सोना चांदी जो भी हुआ होगा, बर्तन अन्न पानी ये सब सफा कर दें। तो देखा तो वहां बाबा जी जो है बैठे हुए, तो उन्होंने बाबा जी को, बाबा हरदेव सिंह जी को देखा वहां बैठा हुआ। वो कहते हैं यार ये तो यहाँ पर एक सरदार बैठा हुआ है, वो वहां से भाग गए। और जब भाग गए तो वैसे ही दरवाजा खुला छोड़ करके और उन्होंने चोरी करना बंद कर दिया। तो देखो कि निरंकार यानी ये सतगुरु कैसे अपने भक्तों की रक्षा करता है, उसकी सामान की व्यवस्था का भी संरक्षण करके उसकी हिफाजत करता है। कि घास के लिए उसने अपने जो है सेवादार भेजे और अंदर में जो चोरी करने के लिए आए थे वो स्वयं वहां पर प्रकट हो गए। अब उन्होंने तो चोरी करना छोड़ गए, वो आपस में बात करने लगे, उसे खुला छोड़ के अपने वापस चले गए। हफ्ते दिन बाद जब वहां पर वो बहन वापस समागम से वापस आई तो लोगों ने बोल, तो साथ में बाबा जी की फोटो भी ले आई। तो अच्छा, तो साथ में वो बहन जो है बाबा जी की फोटो भी ला रही, तो उन्हीं चोरों ने देखा कि ये तो बाबा जी की फोटो, अरे यही बाबा तो वहां बैठा हुआ था। तब उन समझ गए कि यही बाबा है इनके, इस बहन के, जहां ये संत निरंकारी मिशन में समागम में गई थी। तो कहने का भाव ये है, तब उनकी आंखों में ये पता लग गया, उनकी उनके नजरों में ये आ गया कि यही बाबा था जो ये बहन ला रही है। तब उन्होंने उस बहन के आगे नतमस्त होकर के उनको चरण बंदन किया, नमस्कार किया कि धन्य हो बहन, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे बाबा जी की इतनी महिमा है और तुम जो इतने जुड़े हो, इसीलिए जुड़े हो कि जब हमने तुम्हारी घास की चोरी करी, करनी चाहिए तो सेवादार भेजे, और जब हमने तुम्हारे घर के अंदर बर्तन भांडे चोरी करना चाहते थे तो स्वयं यही बाबा जी जो है वहां बैठे हुए थे, धन्य हो। और तब जाकर के सारा गांव एक एक करके निरंकारी बन गया और सारा गांव जो है निरंकारी मिशन से जुड़ गया, निरंकार से जुड़ गया, सतगुरु बाबा हरदीप से जुड़ गया। तो ये कहानी तब पता चली कि जब बुराड़ी में वो बहन दोबारा फिर आई तो वो बहन जो है बड़ी देर तक जो है पहले जो है संगत में बैठी रहती शुरू में, और उसके बाद जब सब चले जाते तब वो जाकर आते। तो लोगों ने पूछा कि बहन जी ये ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, कि उस टाइम से भी आते हो और टाइम से चले जाते हो। बोलते बहन क्या है, मैं सत्संग को इतनी महिमा देता हूँ, इसी सत्संग ने, इसी बाबा जी ने, इसी सतगुरु बाबा हरदीप सिंह ने, इसी रहबर ने मेरी जो है लाज रखी है, मेरी घर की रखवाली भी यही करता है, मेरी रखवाली भी यही करता है, इसी ने मान सम्मान रखा और इसी ने कई प्राणियों को अपने चरणों में लगाया है, इसके लिए धन्य, इसलिए मैं सत्संग न छोड़ सकता हूँ, मैं समय से आती हूँ और समय से जो है फिर उस सबके बाद में जाती हूँ, यही मेरा ध्येय, यही मेरा उद्देश्य है और यही मैं सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हे सतगुरु मेरी आखिरी सांस तक मेरी तोड़ जो है आपके चरणों में निभ जाए। इसी इसी वाणी में, इसी बात पर वे ज्यादा आगे न बढ़ाते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको सबको धन निरंकार कहता हूँ। धन्यवाद।